Good morning, students. Welcome to Pine Hill Convent School. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4. The name of the chapter is Temperature Zones of the World. So in this chapter we will study about factors affecting the climate of a place. एक place के जो climate को affect करते हैं वो factors के बारे में read करेंगे. Torrid zone, temperate zone और frigid zone. ये जो थ्री जोन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि पूरी जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं है. इवन इंडिया में भी 29 स्टेट्स हैं, तो सबका टेम्परेचर एक टाइम में एक जैसा नहीं होता. कुछ एरियाज इंडिया में बहुत हॉट है, कुछ एरिया इंडिया में बहुत कोल्ड है. जैसे आप माउंटेन एरियाज में जाते हो, है ना, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, कोल्ड होता है. ठीक है, जैसे आप अपने एरिया में फतेहाबाद या फतेहाबाद के सराउंडेड सिरसा, हिसार, ये जो एरियाज हैं ये हॉट है, तो आप घूमने कहीं भी कोल्ड माउंटेन एरियाज में जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर आपको कोल्ड लगेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो क्लाइमेट है तो मीन्स क्लाइमेट इन द सेंस कि कहीं पर बहुत ज़्यादा रेन होती है तो कहीं लेस रेन होती है, तो कोई एरिया बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है तो कोई एरिया लेस ह्यूमिड है. मीन्स वो सब कैसे होता है, क्यों अलग अलग होता है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, कि टेम्परेचर और एरिया अलग अलग होने का रीज़न है कि जो अर्थ है वो अर्थ के अलग अलग पोर्शन में है. ठीक है, जो एरियाज हैं अलग अलग पोर्शन में है तो टेम्परेचर भी अलग अलग है. तो हमें अर्थ के पहले डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस का पता होना चाहिए कि उनके पोर्शंस के क्या नेम है. तो आपको ये मैं पहले इस पिक्चर पे क्लियर करूँगी. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए ग्लोब. आपने पहले भी लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था अबाउट द डिफरेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यू कैन से लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स. इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कौन कौन सी है हमारी. सबसे पहले हमारी जो सेंटर लाइन है 0 डिग्री पे सिचुएटेड है, जो है इक्वेटर. नेक्स्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है हमारी आर्कटिक सर्कल एंड 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल. नीचे जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ पे है हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स है हमने स्टडी की हुई है ऑलरेडी. 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्कटिक सर्कल और नीचे साउथ पोल 90 डिग्री पे. अब इन लेटिट्यूड की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसके बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जोन्स में डिवाइड किया हुआ है इसको. ठीक है, जिसके बेस पे हम टेम्परेचर का जो मतलब क्लाइमेट डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो टोरिड जोन क्या है, जो मैंने आपको थ्री जोन्स बताई हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन. 0 डिग्री इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, सेम डिस्टेंस. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच का एरिया है ना, जो इक्वेटर के बिल्कुल साथ वाले एरियाज है दोनों, ये दोनों टोरिड जोन है. ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक, ये जो बीच का एरिया ये है टेम्परेट जोन. और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक है हमारा फ्रिजिड, सेम नीचे है. 66.5 डिग्री साउथ मीन्स एंटार्क्टिक सर्कल से यहाँ तक साउथ पोल तक है हमारा फ्रिजिड जोन. ठीक है, मीन्स इक्वेटर के जो बिल्कुल पास एरिया है टोरिड जोन है, और वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, हॉट होता है. जो एरियाज मीन्स इक्वेटर के बिल्कुल नियर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो इक्वेटर से ऊपर जाते ही यहाँ पे टेम्परेट जोन है. यहाँ पे जो कह सकते हैं क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, मॉडरेट सा होता है, ना बहुत हॉट ना कोल्ड. जैसे और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है. यहाँ पर सब कुछ फ्रोजन मिलेगा आपको फ्रिजिड जोन में. ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया है. अब हम बुक में स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, वो 5 फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. मीन्स कोई भी प्लेस इक्वेटर से कितनी दूर है या कितनी पास है, दैट डिसाइड द क्लाइमेट. एल्टीट्यूड सेकेंड है हमारा जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. एल्टीट्यूड इसका मतलब होता है कि आप मान लो आपकी कंट्री है जो वो सी के बिल्कुल अगर पास है, ठीक है, या उसकी हाइट सी से कितनी लेवल से कितनी दूर है, हाइट से डिसाइड होता है, सी लेवल से हाइट का. ठीक है, तो ये होता है एल्टीट्यूड जिससे क्लाइमेट डिसाइड होता है. थर्ड है डायरेक्शन ऑफ विंड्स,
कि जो आपका जो एरिया है वहाँ पे जो विंड आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, वो वेट एरिया से आ रही है या ड्राई एरिया से आ रही है, उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड होता है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इक्वेटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फिफ्थ हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि सी से जो एरिया है उसका डिस्टेंस कैसा है। अगर तो वो सी को टच कर रहा है, मान लो आप यहाँ बुक में देख सकते हो, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया का आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मैप, तो यहाँ देखो सी के जो पास वाला एरिया इंडिया के नीचे वाले पार्ट्स में आपको पता है यहाँ पे जो स्टेट्स होंगे जो बिल्कुल सी को टच कर रहे हैं, वहाँ तो क्लाइमेट क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ बहुत गर्मी होगी। तो जो ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे क्लाइमेट क्या होता जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो मीन्स डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस कितना है ये भी डिपेंड करता है। अब डिस्टेंस अलग चीज़ है और हाइट अलग चीज़ होता है, जो मैंने एल्टीट्यूड का बताया था वो हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ लार्ज एरिया। मीन्स एक बहुत बड़े एरिया में लंबे टाइम तक जो वेदर की कंडीशन होती है एक प्लेस की, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। वाइल जबकि द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, जो वेदर है वो डे टू डे चेंज होता रहता है, क्लाइमेट रिमेन्स सेम ईयर आफ्टर ईयर। बट जो क्लाइमेट है वो हर साल बाद आप नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपको सेम ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आज रेन हुई है, तो आज थोड़ा सा क्या, आज क्या होगा, कूल ब्रीज चलेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि आज अगर 47 डिग्री टेम्परेचर है, कल 48 डिग्री है, 49 है, तो ये माइनर से चेंजेस हो रही है वेदर है, बट क्लाइमेट हर साल सेम रहेगा। जैसे आप अप्रैल मई में हर साल गर्मी है तो हर साल गर्मी आती है, तो ये हमारा क्लाइमेट है, ठीक है। तो मीन्स वेदर माइनर चेंजेस कह सकते हो, ठीक है। आगे देखो, क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स आर वे ऑफ लाइफ, क्लाइमेट हमारी लाइफ के जो वे को भी अफेक्ट करता है। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो हमने अभी मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, 5 फैक्टर्स। अब उनको थोड़ा अच्छी तरह से स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट फैक्टर, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, मीन्स इक्वेटर से प्लेस का जो डिस्टेंस है वो भी क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। कैसे, द रेज ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड बिकम मोर स्लैंटेड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। जो सन की रेज होती हैं डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर पर और वो आगे जाके स्लैंटेड होती है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। अब देखो सन की जो रेज है डायरेक्टली जा रही है यहाँ पे इक्वेटर पर, ठीक है। अब जैसे जैसे हम पोल की तरफ ऊपर जाएंगे तो ये स्लैंटेड जा रही है रेज। नीचे भी देखो पोल की तरफ जाओगे तो ये रेज क्या जाएंगी, ऐसे स्लैंटेड जाएंगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड डिफर्स ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड्स, मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स है उन पे जो सन का जो अमाउंट है सनलाइट का वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर डायरेक्टली जा रहा है ज़्यादा सनलाइट जाएगी, हीट ज़्यादा होगी, स्लैंटेड वे में जाएगी तो उतनी हीट कम होगी, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट होगा हर लैटिट्यूड पे। द प्लेसेस ऑन द इक्वेटर और नियर इट रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट। अब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि इक्वेटर के पास जो इक्वेटर के बिल्कुल या तो इक्वेटर पर या इक्वेटर के जो बिल्कुल नियर वाला एरिया होगा जैसे टोरिड जोन है, तो वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है। सो दीज प्लेसेस आर हॉट, इसलिए जो प्लेसेस होते हैं हॉट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे ये हमारा इक्वेटर है, इसके पास जो एरिया है यहाँ पे डायरेक्टली सन की लाइट जाएगी तो ये एरियाज हॉट होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और वो, ठीक है, यहाँ पे जैसे मॉडरेट टेम्परेचर होता है और कम होता जाएगा, फिर वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। सो द प्लेसेस आर व्हाट, द रीजंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से अवे हैं, दूर हैं, एंड नियर द पोल्स, और पोल के बिल्कुल पास हैं, रिसीव स्लेंटेड रेज, उनको स्लेंटेड रेज आती हैं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती तो हीट कम होती है वहाँ पे, ठीक है। इन दीज रीजंस द हीट स्प्रेड्स ओवर अ लार्जर एरिया, तो इन रीजन्स में जो हीट है वो लार्ज एरिया पे स्प्रेड करती है, मेकिंग दीज प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर लेस हॉट।
ठीक है, और इन प्लेसेस को क्या बनाती है, जो प्लेसेस दूर हैं वहाँ पे लेस होट होगी, जो बिल्कुल नियर हैं वहाँ पे ज़्यादा होट होगी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्लियर कि डिस्टेंस है जो इक्वेटर से वो डिसाइड करता है वेदर का। आगे है एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, कि एक प्लेस का जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट से रिलेटेड, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल, सी लेवल से अबव कितनी हाइट पे प्लेस हो, ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, वो भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे सी लेवल से, जितनी हाइट पे जो प्लेस होगा, द कोल्डर इट गेट्स, उतना ही ठंडा होता जाएगा। एरियाज लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स, जो एरियाज जितनी हाई एल्टीट्यूड्स पे होंगे, जितनी हाई लेवल पर होंगे, एक्सपीरियंस अ कोल्डर क्लाइमेट, वहाँ का उतना ही ठंडा टेम्परेचर आपको क्लाइमेट मिलेगा। दिस एक्सप्लेन्स वाई हिल स्टेशन आर कोल्ड इवन इन समर, तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्यों हिल स्टेशन क्या होते हैं जो समर में भी इतने ठंडे होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ समर में गर्मी होती है फुल, बट उस टाइम हम हिल स्टेशन में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, पूरी जो टेम्परेचर होता है या हम कह सकते हैं क्लाइमेट वहाँ का कोल्ड होता है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है सारे। ठीक है, सी लेवल से काफ़ी ऊपर उनकी हाइट पे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ विंड्स, अब विंड्स की डायरेक्शन भी डिसाइड करती है क्लाइमेट को। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस कूल, जब विंड्स आती हैं कोल्ड रीजन से तो उस प्लेस को वो ठंडा बनाती हैं। सिमिलरली सेम वे से विंड्स कमिंग इन फ्रॉम हॉट रीजन्स, जो हॉट रीजन से आएंगी सच एज डेजर्ट, ठीक है, तो जो डेजर्ट एरिया से आएंगी जैसे राजस्थान है, तो ऐसे एरिया से जो विंड्स आएंगी मेक अ प्लेस हॉट, वो हॉट को गर्म कर देंगी। ठीक है, उस प्लेस को गर्म करेंगी। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम अ सी कोज ह्यूमिडिटी, अब जो विंड्स सी समुंदर की तरफ से आ रही हैं दैट कोज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है कि एयर में जो वाटर का प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड मेक अ प्लेस ह्यूमिड, तो वो प्लेस क्या हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, हमें बहुत सारी स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो वो प्लेस क्या बन जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। मीन्स विंड की डायरेक्शन भी डिसाइड करती है क्लाइमेट को। सो आज हमने थ्री फैक्टर्स स्टडी किए हैं, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। सो अप टू हियर टुडे वी हैव रेड, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, यू हैव टू रीड हियर अप टू हियर ओनली, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।